सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल एस एस वीजा एंड इमीग्रेशन कोटकपुरा तो अपने चैनल एस धालीवाल ब्लॉग से तुहाडा स्वागत करता जी। उम्मीद करता तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे, चढ़दी कला दे विच होवोगे। गुरु महाराज कहिंदे ने कि दोज हू हैव नो फेथ इन हिमसैल्फ कैन नैवर विन दी रेस, कि जिन्हां नूं अपने आप ते यकीन नहीं हुंदा ना उह कदे वी कोई भी जिंदगी दी जंग जां कोई भी अचीवमेंट जिहड़ी हुंदी आ उह हासिल नहीं कर पाउंदे। तुहाडे नाल जिहड़े हैगे आ दो केसिस डिस्कस करने आ जी, एक कैनेडियन विजिटर वीज़ा दे एंड एक स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की जो पी पी आर आई है। दो पी पी आर जिहड़ियां हैगियां आपां नूं 14 तरीक नूं जिहड़ियां रिसीव हुई तुहाडे नाल जिहड़ियां हैगियां शेयर करनियां। नाल दी नाल एक जिहड़ी जरूरी गल हैगी है, क्योंकि बहुत सारे केस जिहड़े देखण नूं मिल रहे आ कि जिन्हां केसिस दे एडिशनल डॉक्यूमेंट की डिमांड हो रही है एम्बैसी वालों, कि आफ्टर क्लीयरिंग द इंडियन डॉक्यूमेंट्स लाइक अगर कि एप्लीकेंट जिहड़ा हैगा वो अपनी इंडिया तो एलिजिबिलिटी भी पास कर लैंदा, उधर रिलेशनशिप वगैरह डन हैगा, बट उस तो बाद उहदी वाइफ ते जदों स्टेटस चेंज हो जाता है जां उहदी स्टडी घट रह रही आ तो उहदे डॉक्यूमेंट जिहड़े हैगे आ मंगे जांदे आ एम्बैसी वालों। तो उत्थे जाके इहो जिहे रीजन दे विच बहुत सारियां जिहड़ियां हैगियां रिफ्यूजल देखण नूं जिहड़ियां हैगियां पिछले दिनां दे विच मिल रही आ। सो उस चीज़ नूं आपां डिस्कस करदे हैगे। सब तो पहला मैं तुहाडे नाल जिहड़ी हैगी आ जी विजिटर वीज़ा जिहड़ी पी पी आर शेयर करन लग्गिया जी। ठीक है जी, अपने कोल विजिटर वीज़ा की जी पी पी आर हैगी जी आई हैगी 14 तरीक नूं अज लाइक अज दे दिन की जी पी पी आर हैगी आ, और इस वीर का पहला ओपन वर्क परमिट जिहड़ा हैगा जी वह 2 जनवरी 2022 दे विच इहदा ओपन वर्क परमिट जिहड़ा हैगा रिफ्यूज़ होया सी। ठीक है जी, तो 12 जनवरी 2022 लाइक पिछले महीने की 12 तरीक में जी हैगी इन्हों की हैगी विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन लगाई सी विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कि इन्हों की एक तो एनीवर्सरी आ रही है, प्लस इनके वाइफ जिहड़े हैगे आ शी इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रैशन, कि इन्ना टाइम दूर रह गए, और उस तो बाद एक स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने नाल कि हुंदा ना कि पहला एक उम्मीद जी बनी हुंदी है कि हाँ जी वीज़ा आ जाना है कि चलो आ जाएंगे, उस तो मुड़ के थोड़ा जहा बंदा डिप्रैशन च रहन लग गया। उन्होंने एक दो डॉक्टर विजिट भी की उस बिहाफ ते इन्हां दी विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन लगाई सी। ठीक है जी, तो 14 तरीक नूं जिहड़ा हैगा आपां नूं इन्हां नूं अज दी तरीक 14 फरवरी 2022 नूं इन्हां नूं इन्हां दी आपां जिहड़ी हैगी पी पी आर रिसीव हुई है। सो नाल दी नाल अगर आपां गल कर लईए स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की जिहड़ी हैगी आ पी पी आर है जी, वह भी आपां नूं जिहड़ी हैगी आ रिसीव हुई हैगी आ। ठीक है जी, तो इस वीर की आपां गल कर लईए, इस वीर का पहला जिहड़ा हैगा 2 वार स्पाउजल ओपन वर्क परमिट रिफ्यूज सी वल कि उसकी वाइफ जिहड़े हैगे उदो स्टडी के उपर हुंदे सी, तो उस तो बाद जदों वह वर्क परमिट ते गए तो इन्हां दी एप्लीकेशन जिहड़ी हैगी आपां दुबारा लॉज की। हुण इत्थे ट्विस्ट वाली गल हैगी कि इन्हां दी आपां एप्लीकेशन जदों आपां जैन दे विच लॉज की तां चलो बायोमैट्रिक वगैरह इन्हां दे ऑलरेडी डन होए हुए सीगे। ठीक है जी, जैन दे विच आपां इन्हां दी ओपन वर्क परमिट की फाइल जिहड़ी हैगी आ लॉज की सी। वाइफ ने इन्हां दे नूं लाइक 2020 दे विच ओपन वर्क परमिट जिहड़ा हैगा मिल गया सी, जैन दे विच रिक्वायरमेंट पूरी हुंदी सी विद पे स्टब्स वगैरह सारा कुछ करके इन्हां दी आपां फाइल लगाती। हुण 1 साल जिहड़ा हैगा इन्हां दी वाइफ दे वर्क परमिट दा ऑलरेडी निकल गया, तां इन्हां दे आपां नूं एडिशनल डॉक्यूमेंट की डिमांड जिहड़ी आई हैगी आ उह आई सीगी 2 फरवरी नूं, जिहड़ी इहदी एडिशनल 2 फरवरी नूं जिहड़ी हैगी इहदी एडिशनल डॉक्यूमेंट की जिहड़ी हैगी आपां नूं डिमांड आई सीगी। और एडिशनल डॉक्यूमेंट दे विच जिहड़ा हैगा तां इस वीर दे जिहड़े आपणे तों इंडियन बैंक स्टेटमेंट एंड इन्हां दे वाइफ दे जिहड़े हैगे उधरों पे स्टब्स बैंक स्टेटमेंट एंड उन्हां दा जॉब लैटर जिहड़ा हैगा उह मंगिया गया सी। हुण इत्थे बहुत सारे एप्लीकेंट जिहड़े मार खांदे, आपां नाल दी नाल दूसरी गल नूं वी लैके चल पैंदे आ, क्योंकि जिन्ने भी वीरां ने जां उन्हां दीआं रिफ्यूजल्स आईआं हैगीआं तां उह इक चीज़ कहिंदे ने कि भाजी कि सानूं साडे कंसल्टेंट ने पहलां इंडिया तों गल कर लई आपां कि सानूं साडे कंसल्टेंट ने इह नहीं इह कहिंदे सी कि तुसीं बस इन्ने पैसे आपदे अकाउंट दे विच रख लो, ना तां इहनूं छेड़ना ना इहनूं करना कोई वध तों वध 5-10 हज़ार दा हेर फेर जिहड़ा हैगा करी चलिओ। ठीक है जी, तो उत्थे जाके जदों कहिंदे असीं अपनी स्टेटमेंट नूं देखिआ तां साडी उन्होंने स्टेटमेंट मंगी, तो साड़ी अगर 1 साल की स्टेटमेंट निकलती है तो वध तो वध की साडे कोले वध तो वध 10-12 एंट्रीज जिहड़ियां शो हुंदियां, बट वह एक वेखण दे विच एक वाजिब एंट्रियां नहीं लगदियां, वैलिड एंट्रीज जां आपां कह सकदे आ एक सब ऑथेंटिकेटड कह सकदे आ, जां आपां कह सकदे आ कि उहो जी एंट्रीज नहीं लग रहीआं जिहनूं जिहदे नाल वेखण वाले बंदे नूं इह तसल्ली हो जी कि उहनां दी जिहड़ी हैगी आ इहनां दा कामकार जिहड़ा हैगा प्रोपर चल रिहा हैगा। और नाल दी नाल ही जदों इंडियन जदों कैनेडियन दे डॉक्यूमेंट मंगे गए जदों लाइक उहदे स्पाउस दी स्पाउस इन कैनेडा चाहे हसबैंड होवे चाहे वाइफ लाइक वाइफ हुंदे आ ना मेजोरिटी ऑफ केसिस दे विच, तां जदों उहदे वाइफ दे डॉक्यूमेंट मंगे गए तां बहुत सारे एप्लीकेंट जिहड़े इदां दे हैगे आ जिन्हां ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस ते जिहड़ी हैगी आ नॉक लैवल बी दी जॉब जिहड़ी हैगी आ शो कीती हुई सी, तां उहनां दा 1 साल दा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, तां उस तों बाद की हुंदा जी इंपलॉयर हैगा लॉयर ने उह सब दे अपने अपने रंग हुंदे ने अपने अपने ढंग हुंदे ने है ना, उस तो मुड़ के बहुत सारे हैगे खराब भी करते हैं, तो वह कहें कि असी तुहाडी कंटिन्यू जॉब नहीं शो कर सकते, तो उस टाइम जिहड़ा हैगा एम्बैसी उन्हां वल्लों डॉक्यूमेंट मंग लैंदी है। और एट दी
राइट टाइम या आप कह सकते हैं कि उस समय के उपर जिहड़ा हैगा उन्हां दे वाइफ जिहड़े हैगे या उन्हां दा स्पाउस जिहड़ा हैगा वह नॉक लैवल बी दी जॉब नहीं कर रहा सी। इस वजह करके जिहड़ी हैगी उन्हां दी स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन जिहड़ी हैगी रिफ्यूज़ हुंदी आ। सेम इस वीर दे भी अपने तो इन्होंने डॉक्यूमेंट मंगे जिदा मैं तुहानूं दस्सिया कि इंडियन बैंक स्टेटमेंट मंगी, बैंक बैलेंस मंगया और इन्हें वाइफ के जिहड़े हैगे पे स्टब्स, बैंक स्टेटमेंट एंड जॉब लैटर मंगया गया। इन्होंने वाइफ जिहड़े हैगे कॉन्टीन्यूटी दे विच अपनी जॉब कर रहा और ना कि जॉब कर रहा, हालांकि इन्होंने अपनी जो हैगी है कि फाइल जिहड़ी हैगी आ PR वास्ते भी इन्होंने अपनी फाइल लगाई हुई है। और इस तो पहला इस वीर ने अपनी न्यू पोर्टल दे विच एक बार विजिटर वीज़ा भी ट्राई किया सी, जो कि एक वैलिड रीज़न करके, क्योंकि वो रीज़न नहीं सीगा क्यों, क्योंकि लॉकडाउन करके डाइनिंग जिहड़ी हैगी है जिवें हुण बंद आ डाइनिंग बंद सी, तो इन्होंने अपने बर्थडे करके लगाया सीगा। तो वो एक लाइक आप कह सकते हैं कि नॉन स्पैसीफिक रीज़न की वजह करके कि वीज़ा ऑफिसर ने इनका विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ करता। विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ होया बट इन दी स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन दे कोई भी इफेक्ट नहीं पिया। इन डॉक्यूमेंटेशन मंगे गए, इन दी बैंक स्टेटमेंट जिहड़ी हैगी प्रॉपर दस के इन्हां नूं रेडी करवाई गई कि तुसीं अपनी एंट्रीज जिस तरह का ट्रेंड थोड़ा फाइल लगाउण तों पहलां चलदा आ रहा उस तरह का ट्रेंड जिहड़ा हैगा आपां बाद दे विच उहनूं बरकरार रखणा हुंदा। तां इन दी इंडियन आपां स्टेटमेंट जिहड़ी हैगी नाल दी नाल इन्हां नैक्सट डे आपां नूं अपने कोल रेडी सी, क्योंकि सब कुछ, क्योंकि देखो वड्डी गल हुंदी है कि जो बैंकिंग सिस्टम है ना, जे आपां गल कर लईए 24 घंटिआं दे विच जदों इक दिन लंघदा आपां ना तां अगले दिन नूं पहलां लिआ सकदे हां ना पिछले समें नूं मोड के लिआ सकदे हां। सो इस करंट पोजिशन पर या करंट टाइम के उपर ही सारा कुछ जिहड़ा हैगा बैलेंस जिहड़ा हैगा चलाउणा पैंदा हैगा। और नाल दी नाल इहनां दे वाइफ तो जिहड़ा हैगा उन्होंने अपना जॉब लैटर जिहड़ा हैगा इहनां दा ओल्ड जॉब लैटर भी लगाया, प्लस जिहड़ा हैगा इहनां तों इहनां दे इंपलॉयर तो जिहड़ा हैगा नवा जॉब लैटर जिहड़ा हैगा इशू करवा के डेट्स। ऑब्वियसली गल आ कि इहनां दे पुराने डेट्स दे विच जॉब चल रही है, कॉन्टीन्यूटी दे विच चल रही है, पे स्टब्स उन्हां कोल प्रॉपर आई हैं, सारा कुछ अपडेट किया। तां इहनां दी आपां नूं 14 जिहड़ी हैगी फैब नूं PPR जिहड़ी हैगी रिसीव हुई आ। सो तुहाडे नाल जिहड़ा हैगा इस केस नूं शेयर करन दा मोटिव इही आ कि आपां नूं नहीं पता कि बहुत सारे केसिस दे ना भी मंगे जाण एडिशनल डॉक्यूमेंट, क्योंकि एडिशनल डॉक्यूमेंट उस तों बाद डिमांड हुंदे आ जदों तुहाडी इंडिया दे विचों जिहड़ी हैगी आ एलिजिबिलिटी तुसीं अपनी, जिहदे विच आपां रिलेशन हैल्थ एंड आपां गल कर लैंदे आ कि तुहाडी इंपलॉयमेंट या फंडस की गल कर ली, ये सारा कुछ तुसीं अपना क्लीयर कर लैंदे हो। वीज़ा ऑफिसर नूं इस चीज़ की तसली हुंदी आ कि हाँ कि वाकई ही ये सब कुछ डन हैगा। उस तों बाद उन्हां नूं तुहाडे वाइफ दे स्टेटस दे बारे तुहाडी एलिजिबिलिटी नूं चैक करना हुंदा तां उह डॉक्यूमेंट की डिमांड जिहड़े हैगे जरूर करदे करदे ने। सो तुसीं इस चीज़ का खास ध्यान रखो, जिन्हां दी स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की फाइल ऑलरेडी लगी हुई आ या जिन्हां दे अपनी फाइल लगाउणी आ और उन्हां दे वाइफ जिहड़े हैगे आ वर्क परमिट ते ने, जिन्ना टाइम थोड़ी फाइल का रिस्पोंस नहीं आउंदा, चाहे वह हाँ आवे चाहे ना आवे, उन्ने टाइम तक जो तुसीं जिहड़ा हैगा अपने स्पाउज़ नूं इह चीज़ नूं मैंडेटरी रखना है कि वह जिहड़े नॉक लैवल बी दी जॉब ते अपना कंटिन्यू होण ही होण, क्योंकि एम्बैसी का कोई भरोसा नहीं हुंदा कि उन्होंने कदों किस टाइम कि डॉक्यूमेंट जिहड़े हैगे डिमांड कर लेने आ। और जो आप कई बार कॉन्ट्रैक्ट बेस ते करदे आ, बहुत सारे वीर इदां दे भी देखण नूं मिले आ जिन्होंने की किया, कहिंदे कि सानूं असीं बाहरों अपनी ICCRC मैंबर तों फाइल लगवाई सी जां सी तां सानूं इह चीज़ां भी लाइक देखण नूं मिलियां। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੋਬ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪੇ ਸਟਾਪ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, 3 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਣਗੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਝੂਠ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੜਚਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਅਸੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੇੜੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ, ਜੈਤੋ ਰੋਡ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 7707857035005003 7700037700। ਧੰਨਵਾਦ।